नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सहरावत और आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं, आपको रेट डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, या आप जानना चाहते हैं कि हम बीइंग अ फ्रेंचाइजिंग कंपनी कैसे रेट डिसाइड करती है लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग और बाकी सर्विसेज की, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ उसमें मैं ये बात कभी भी नहीं कहता कि मुझे ऐसा लगता है। इस चेयर की एक मर्यादा है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो भी इस मर्यादों को फॉलो करती हैं। हम कभी भी आंख बंद करके किसी भी चीज़ का रेट नहीं डिसाइड करते। अगर आप मुझे बोलेंगे कि हिमांशु सर, मैं आपसे ये सर्विस ले रहा हूँ और आपने इसका रेट ऐसा क्यों रखा हुआ है, तो मैं आपको एग्जैक्टली प्राइस बेंचमार्किंग करके बताऊंगा कि मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ का वो रेट क्यों रखा। क्योंकि हम हर एक चीज़ में फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं तो उसमें हम उसकी कॉस्टिंग, उसका ट्रांसपोर्ट, कॉम्पिटिशन, उसकी सर्विस, उसके पार्ट्स को कंसिडर करके ही उसकी प्राइजिंग रखते हैं। तो जब आप लॉन्ड्री की प्राइजिंग की बात करते हैं, तो एक चीज गाइस हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बिजनेस जो होता है, इट्स अ गेम ऑफ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन से मेरा मतलब है कि जो भी आप काम करने जा रही हैं वो सही रेट में हो, सही टाइम पे हो और वो काम अच्छी क्वालिटी में हो। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तीन चीज ही मायने रखती हैं: रेट, आप क्या ले रहे हैं, सर्विस आप कितनी जल्दी दे रहे हैं, और क्वालिटी क्या है। अगर इन तीन चीजों पे आपने पकड़ कर ली तो आपको कोई बीट नहीं कर पाता है। तो जब भी हम किसी भी एरिया में कोई स्टोर डालते हैं, कोई फ्रेंचाइजी शुरू करते हैं, तो हम 5-6 फैक्टर्स हमेशा कंसिडर करते हैं। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्राइस बेंचमार्किंग। हम देखते हैं कि वहां पर पेइंग कैपेसिटी कितनी है। आप एक चीज समझिएगा कि जो लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन है, ये हाइपर लोकल डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस है। कोई भी आदमी 5 किलोमीटर से दूर जाके ड्राई क्लीनिंग नहीं करवाएगा अनटिल एंड अनलेस वो टायर 3 सिटी में रहता हो और टायर 2 सिटी में एक ड्राई क्लीनिंग की शॉप हो। अदरवाइज 99% कस्टमर 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आपसे सर्विस लेते हैं। तो सबसे पहले हम वहां देखते हैं कि हमारा कंपटीशन क्या है। रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर करता है कि आपका प्राइस क्या होगा। उसके बाद हम वहां पे परचेजिंग पावर देखते हैं क्लाइंट्स की। उसके बाद वहां पर कितने ब्रांड्स हैं। हमारे लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग से ब्रांड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर ब्रांड्स की बात कर रहा हूं कि वहां पे बुटीक्स कितने हैं, वहां पे डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स, या जारा जैसे कपड़े के ब्रांड्स, या लोकल जो ब्रांड्स होते हैं क्या वो वहां पर हैं। इसके बाद हम वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम 100% कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारी फ्रेंचाइजी है उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है परचेजिंग की। मान लीजिए हमने यहाँ से सामान भेजा मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश, या हमने सामान भेजा आंध्र प्रदेश। अब साउथ में क्योंकि हमारे जो है स्टॉक्स हैं, तो साउथ का स्टॉक हम साउथ से निकालते हैं और नॉर्थ का स्टॉक हम नॉर्थ से निकालते हैं, तो फिर भी हम ये कंसिडर करते हैं कि उसको जो मटेरियल है वो किस प्राइस में पहुंच रहा है। जो हमारे बुजुर्ग बनिया थे वो ये कहते थे कि जो एक असली बनिया है वो 2 चीज़ों से पैसे कमाता है, लेफ्ट हैंड से परचेजिंग स्ट्रॉन्ग करके, मतलब सस्ता बाय करके, और राइट हैंड से वो महंगा बेच के पैसा कमाता है। तो ये चीज भी हम कंसिडर करते हैं कि उसको उसके एरिया में कौन सी चीज सस्ती मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम फाइनली कंसिडर करते हैं वो करते हैं यूनिट इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब एक शर्ट आपको एक्चुअली कितना पड़ रहा है। आप एक बात गाइस कंसिडर कीजिएगा कि इंडिया में 28 कंट्रीज हैं। यहां पे पानी भी बदल जाता है, भाषा भी बदल जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल भी बदल जाता है। तो जब तक आप यूनिट इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे,
आप प्रैक्टिकली कभी भी एक अच्छी प्राइस बेंचमार्क नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि आप एक अच्छी प्राइस बेंचमार्क नहीं कर पाएंगे इसलिए आप डिस्काउंट या ऑफर्स गलत दे देंगे। और मैंने ये भी देखा है कि 3.5 लाख रुपए की सेल होने के बावजूद भी ड्राई क्लीनर्स कई बार बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही कमा पाते हैं, और जिसने प्रोफेशनली बेंचमार्क किया हुआ है सब कुछ वो उस प्रॉफिट का 5 गुना प्रॉफिट उसी से निकाल लेता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों ने ऑफर्स चलाए थे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दोनों ने डिस्काउंट दिए थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं या ड्राई क्लीनिंग के भी बिजनेस में हैं तो वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशंस अपनी स्ट्रांग रखिएगा। कभी भी ये मत कहिएगा कि मुझे ऐसा लगा हमारा कंपटीशन जो है वो इतने दे रहा है, उस रेट में दे रहा है तो मैं ये कर दूंगा। बीइंग अ कंपनीज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मैं बिना प्राइस बेंच मार्क के कभी भी प्राइस कोट नहीं करता हूँ। मेरी फ्रेंचाइजी से बात होती है, वो कहते हैं सर आपका कॉस्ट क्या रहेगा, हमारे यहाँ पे तो जो है ऐसे क्लाइंट्स हैं, हमारे यहाँ पे हाई क्लाइंट्स हैं, हमारे यहाँ पे तो धोबी बहुत सस्ता देते हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि क्लाइंट की नॉलेज, जैसे मैंने आपको बोला कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर करके किस टारगेट ग्रुप को आप कैटर करने वाले हैं, आपकी यूनिट इकोनॉमिक कॉस्ट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ जानने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके वहाँ के प्राइस क्या रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, इफ़ यू डू थिंक प्रोफेशनली यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट प्रोफेशनल रिजल्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे ड्राई क्लीनर भाई बहनों की हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज़ हिमांशु सहरावत साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।